आना है। मैं कहना अल जहाद अल जहाद, तुसा कहना लब्बैक लब्बैक। असी कश्मीर दियां बेटियां वास्ते, कश्मीर दियां मामा वास्ते, कश्मीर की बहनों के लिए, वो मासूम बच्चियां जो आज अपने बाप के जिबा होने के बाद बाप की फोटो पकड़ के रो के कह रही है, बाबा आप तो चले गए मगर मोहम्मद बिन कासम नहीं आया, बाबा सलाहुद्दीन अयूबी नहीं आया, बाबा अब हम अभी आवाज दे रही है हज्जाज 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 नहीं आया, बाबा हम यतीम तो हो गई लेकिन अपनी शहादत तक ये आवाज देती रहेगी, हमें बस चाहिए आजादी चाहिए और पाकिस्तान का सहारा चाहिए। कल भी पाकिस्तानी थे, आज भी पाकिस्तानी हैं। अल जहाद अल जहाद लब्बैक, अल जहाद अल जहाद, अल जहाद अल जहाद, अल जहाद अल जहाद। पूरी पाकिस्तानी काम आज बरसरे मैदान ये कह रही है कि अफवाजे पाकिस्तान के शाना बशाना, हम अपनी जाने कुर्बान करने को तैयार हैं, कश्मीर के लिए हम अपनी जाने लेकर जाएंगे, हम मुजाहिद बनकर रसूलुल्लाह के गुलाम बनकर कश्मीर की सरहदों में उतरना चाहते हैं। अफवाजे पाकिस्तान के शाना बशाना, हम ऐलान करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ऐलान करे जहाद के लिए हम बच्चे छोड़ जाएंगे, हम पाकिस्तान के मकान छोड़ जाएंगे, हम पाकिस्तान के बाजार छोड़ जाएंगे, हम पाकिस्तान के गांव छोड़ जाएंगे, हम पाकिस्तान के अजला को खाली करके निकलेंगे और एक एक मुसलमान पाकिस्तान से निकलकर कश्मीर की सरहदों में पहुंच के ऐलान करेगा। हिंदुओं याद रखो, कल भी मुस्तफा के गुलामों का राज था, आज भी मुस्तफा के गुलामों का राज है, कल भी जहाद के जरिए जंगे बदर को फतह किया था, कल भी जहाद के जरिए हमने खंदक में फतह हासिल की थी, कल भी जहाद के जरिए खैबर के मैदान को हमारे शेरे खुदा मौला अली मुर्तजा ने उखाड़ फेंका था। आज उसी पाक अली की गुलामी करते हुए हम सरहदों पे पहुंच के ऐलान कर रहे हैं अल जहाद अल जहाद अल जहाद अल जहाद अल जहाद अल जहाद। कल एक मोहम्मद बिन कासम था, कल एक नईम बिन अब्दुल्ला था, कल एक मुजाहिद खड़ा था, आज हर घर से मोहम्मद बिन कासम बन के निकलेंगे, आज हर घर से नईम बिन अब्दुल्ला बन के निकलेंगे, आज हर घर से अरे ये सरकार के गुलाम बन के जब निकलेंगे, दुश्मन जानता है मुसलमान जान देने से नहीं घबराता, सर कट जाए या रह जाए ये कुछ परवाह नहीं करता। अल जहाद अल जहाद अल जहाद अल जहाद। हजरात आज मौका है, और अगर ये कश्मीर हाथ से चला गया तो हमारी शार कट जाएगी। हजरत कैदी आजम अलैहि रहमा, अल्लाह उनके मिजार पे रहमतों का नजूल फरमाए, वो हमारे मोहसिन हैं, हमारे कायद हैं। कैदी आजम अलैहि रहमा ने कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शारग है और हम अपनी शारग की हिफाजत करना जानते हैं, हुकूमत पाकिस्तान का इशारा चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान ऐलान करे कि पाकिस्तान से कितने मुजाहिदीन जो फौज के शाना बशाना अपनी जाने हथेली पर रखकर कश्मीर की वादियों में दाखिल होना चाहते हैं। मैंने तो कल सियालकोट से ऐलान कर दिया है कि सियालकोट से जो श्रीनगर को रोड जाता है
हुकूमत पाकिस्तान ऐलान करे हम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना सियालकोट से 50,000 मुजाहिदीन इस्लाम लेकर निकलेंगे और हम अपनी बच्चियों की हिफाजत भी करेंगे, अपनी माँ की हिफाजत भी करेंगे, अपने बुजुर्गों की हिफाजत करेंगे। हम कश्मीर के एक एक कोने में खड़े होकर ये नारा लगाकर हिंदुओं को बताएंगे कि हम जान लेना भी जानते हैं और रसूलुल्लाह की इज्जत की कसम, हम किसी हिंदू की जान लेना भी जानते हैं और अपनी इज्जत की खातर अपनी जान देना भी जानते हैं। और यह ऐलान करेंगे अल जहाद अल जहाद, लब्बैक लब्बैक। और खास तौर पे लिबरल लोगों ने, आज उनकी जुबानें बंद है लिबरल की, आज लिबरल लोगों की जुबानें बंद है और ये मेरी बात के साथ पूरी दुनिया के मुसलमान इत्तेफाक करेंगे। आज नौजवान तबका जो है उनके दिलों से इश्के रसूल को खत्म करने के लिए लिबरल लोगों को उतारा गया, इश्के रसूल को खत्म करने के लिए लिबरल तंजीमों को उतारा गया, इश्के रसूल मुसलमानों के सीने से निकालने के लिए लिबरल लोग मैदान में उतरे। लेकिन इनका मैदान में उतरना आज उम्मत मुस्लिमा को समझ आ गई है। आज लोग जान गए हैं, उलमा हक बयान करते हैं, हक बयान करते रहेंगे। और अगर जहाद का मौजू खत्म कर दिया जाए तो फिर मुसलमानों की पावर खत्म हो जाएगी। जहाद का बयान ना किया जाए, मुसलमानों में दलेरी और शेरपन खत्म हो जाएगा। लिबरल लोगों ने जो नजरिया दिया है उसमें फहाशी है, लिबरल लोगों ने जो नजरिया दिया है उसमें उर्जानी है, लिबरल लोगों ने जो काम को इस तरफ धकेला है उसमें सिर्फ इज्जत का नुकसान है। लेकिन जहाद ने जो वकार दिया है उसमें इंसान की जान चली जाए तो शहादत, बच जाए तो गाजी बन के वापस लौटता है, शहीद हो जाए तो फरिश्ते इस्तकबाल करते हैं, गाजी बन के आ जाए तो मुसलमान के गुलाम सारे सरकार के इस्तकबाल करते हैं, हजूर के गुलाम मुसलमान इस्तकबाल करते हैं। तो लिबरल ने जो काम करना था कर दिया, अब चाहिए तो ये था, ये जितने लिबरल लोग हैं लिबरलिज्म लेकर आए हैं अब ये मैदान में निकले, जिनकी बच्चियां इस्लामाबाद के बाजारों में ये बैनर उठाकर फिरती थी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आज कश्मीर की बेटी उनको आवाज लगा रही है, उनकी आवाज पे ये लिबरल जाएंगे कतई तौर पे नहीं, बुजुर्गों की आवाज पे ये लिबरल जाएंगे कतई तौर पे नहीं, अरे माँ बेटियों की आवाज पे ये लिबरल लोग बाहर निकलेंगे नहीं, यहां से मोहम्मद बिन कासम के मानने वाले निकलेंगे, यहां से सलाहुद्दीन अय्यूबी के मानने वाले निकलेंगे, यहां से जनाबे भाई मोहम्मद सलीम शहीद सुन्नी तहरीक के कायद के मानने वाले निकलेंगे, यहां से जमाते आले सुन्नत के वफादार सिपाही निकलेंगे, यहां से सुप्रीम उलमा काउंसिल के वो अजीम उलमा निकलेंगे, यहां से सुन्नी नौजवान निकलेंगे, यहां से रसूलुल्लाह का एक एक गुलाम माथे पे कफन बन के निकल के बाजार में बताएगा हम रसूलुल्लाह की दीन की पासदारी भी करना जानते हैं, हजूर की नमूस का दिफा करना भी जानते हैं और अपने कश्मीर की हिफाजत करना भी जानते हैं। कश्मीर की हिफाजत हो या रसूलुल्लाह की नमूस का मसला हो, हमारा एक ही ऐलान है अल जहाद 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 अल जहाद। अल्लाह आपको सलामत रखे और अल्लाह इस पाकिस्तान को हमेशा ताकियामत रखे। अफवाज पाकिस्तान जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उनके मुजाहिदाना किरदार को सलाम। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, बोलो अफवाज पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान। और जो अफवाज पाकिस्तान पे इस वक्त जुबान दराजी कर रहे हैं वो अपनी जुबानों को लगाम दें, गुद्दी से खींच लेंगे जुबाने दराज को, जो सरहदों में खड़े होकर अपने बीवी बच्चों की परवाह किए बगैर मुसलमानों के मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, अपनी जानें पेश कर रहे हैं, उनके मुतल्लक अजीब ख्याल रखते हो, तुम्हारी जुबानें
बेच डालेंगे। उन सिपाहियों को सलाम करो जो मुल्क पाकिस्तान की सरहदों पे खड़े होकर मुसलमानों के मुल्क का दिफा कर रहे हैं। नारा लगाए अफवाज पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान। और पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस जिंदाबाद, तमाम फोर्सेस, तमाम फोर्सेस